हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं दिलीप कुमार उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लॉर्ड ऑफ लॉजिक्स में। और आज का जो सेशन है वो स्पेशल सेशन है फॉर द केसेस ऑफ सिलोलिज्म पॉसिबिलिटी। ठीक है, जितने भी डाउट्स हैं सिलोलिज्म की, जो पॉसिबिलिटी के जो केसेस होते हैं जहाँ पर दिक्कतें होती हैं, वो सारा आज सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है भाई, तो फटाफट से कॉपी पेन ले लो, ताकि नोट्स अगर बनाने हैं तो प्रॉपर तरीके से उन नोट्स को आप कंप्लीट कर पाओ। ठीक है भाई, तो बात करते हैं हम सिलोलिज्म पॉसिबिलिटी की। ऑलराइट बच्चों, तो चलो सेशन की शुरुआत कर लेते हैं और देखते हैं कि आखिर जो पॉसिबिलिटी केसेस होते हैं वो कौन से केसेस होते हैं, या कैसे उनको हम लोग चेकआउट करते हैं। ठीक है भाई, तो हम बात करेंगे किसकी, पॉसिबिलिटी की। ठीक है, पॉसिबिलिटी हिंदी में कहें तो शब्द लिखा आता है आपके पास संभावना। ठीक है ना भाई, क्या लिखा आता है, संभावना। अब आप कैसे पहचानेंगे, तो उसका बहुत सिंपल सा फंडा है, बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। जब भी आपको स्टेटमेंट में कैन बी लिखा हो, है ना, आपको कंक्लूजन जब पूछ रहा है वो, तो कंक्लूजन में क्या हो, इज अ पॉसिबिलिटी लास्ट में लिख देते हैं, इज अ पॉसिबिलिटी, इज अ पॉसिबिलिटी, या मे बी, माइट बी, इस तरीके के कुछ आपको सेंटेंसेस दिखेंगे जिनसे हम कंफर्म कर लेते हैं कि ये किसका केस है, जो कंक्लूजन है वो पॉसिबिलिटी के ब्याप पर, यानी कंक्लूजन पॉसिबिलिटी केस में पूछा जा रहा है। हिंदी में कहें तो यही शब्द क्या बन जाते हैं, क्या कुछ ए बी हो सकते हैं, क्या नहीं लिखते, कुछ ए के बी होने की संभावना है ऐसे बोल सकते हैं, कुछ ए बी हो सकते हैं ऐसे बोल सकते हैं। तो कुछ हिंदी में लैंग्वेज यानी कि संभावना कहीं ना कहीं वो आपको इंट्रोड्यूस करा देते हैं। चलिए, तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है कि कब वो पॉसिबिलिटी में पूछ रहा है, कब वो डेफिनेट में पूछ रहा है, ये बहुत आसानी से पहचान लेते हो। ठीक है भाई, मेन चीज़ क्या है, मेन चीज़ है कि इनको हम एग्जीक्यूट कैसे करते हैं। ठीक है, तो पहले मैं आपको बच्चों कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि इसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, और फिर हम इसको ट्रिक के बेसिस से देखेंगे कि अगर हमें ये क्वेश्चंस लगाने हैं तो इनको हम कैसे बड़े आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट पे। क्या है इसका कॉन्सेप्ट, सिलोलिज्म की जो पॉसिबिलिटी के केसेस हैं उनको कॉन्सेप्ट के थ्रू कैसे करते हैं। देखिए, बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप सब जानते हैं इस बात को, है ना। कोई सा भी आप एग्जाम उठा के देख लीजिए जहाँ पे स्लॉग पूछा जाता है, वहाँ पे पॉसिबिलिटी के क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं, और बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी रहते हैं उन केसेस में। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लगभग लगभग हर दूसरा या तीसरा कंक्लूजन आपका पॉसिबिलिटी के बिहाफ पे पूछा जाता है। SSC में भी आपका हर दूसरा तीसरा कंक्लूजन पॉसिबिलिटी के बिहाफ पे पूछा जाता है। तो आप समझदार हैं, आप जानते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर है। ठीक है भाई, तो सुनो मेरी बात ध्यान से। कॉन्सेप्ट के बेसिस पे अगर आप इस चीज़ को समझना चाहते हैं प्यारे बच्चों, तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कॉन्सेप्ट ये है कि पॉसिबिलिटी का मतलब क्या है, संभावनाएं। ठीक है, संभावनाएं व्यक्त करनी है आपको, लेकिन आपको किसी भी कीमत पर आपका जो स्टेटमेंट है उसे वॉलेटाइल नहीं होने देना, यानी उसे गलत नहीं होने देना। जो स्टेटमेंट में बात कही गई है वो आपकी वैलिड रहनी चाहिए, और उसके अलावा जितनी पॉसिबल संभावनाएं एग्जिस्ट करती हैं आप उनको पॉसिबिलिटी केसेस के लिए देख सकते हो। नहीं समझ आ रहा है, देखो मैं समझाता हूँ बिल्कुल बारीकी से, बहुत तसल्ली से समझो, जल्दबाजी बिल्कुल मत करो, आराम से पहले समझ लो। लास्ट में हमारे पास ट्रिक तो है ही, तो आप एनी टाइम कैसे भी कोई क्वेश्चन मिले पॉसिबिलिटी का, मैं आपको एक तरीका बता दूंगा, एक सिंपल से तरीके से आप सबको लगा सकते हो। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट बच्चों कुछ इस तरीके से है कि आपको जो स्टेटमेंट मिलते थे, है ना, स्टेटमेंट मिलते थे बेटा, तो हम उनको क्या करते थे, डायग्राम बना लेते थे। लेकिन अब आपको समझना पड़ेगा कि और कौन कौन से पॉसिबल डायग्राम एग्जिस्ट कर सकते हैं जब हम डायग्राम बनाते हैं। बनाते तो डेफिनेट वाला ही, लेकिन दिमाग में सोचना पड़ता है, क्या मैं इस फिगर को ऐसे बना लूँ तो कोई दिक्कत है क्या, अगर मैं ऐसे बना लूँ तो क्या स्टेटमेंट गड़बड़ होगा, तो उस तरीके से देखना है। देखो बेटा, हमने कहा था आपकी प्रीवियस वीडियोज़ में कि ऑल का फिगर कैसे बनाते हैं, ऑल का फिगर हम ऐसे बना लेते थे, हाँ है ना, अगर मैंने कहा ऑल ए आर बी तो आप कुछ इस तरीके से बनाते थे। लेकिन प्यारे बच्चों, अगर मैं इसका पॉसिबल डायग्राम देखना चाहूँ, मैं सोचूं कि और कैसे बना सकते हैं, लेकिन बशर्ते शर्त ये है कि सारे के सारे ए जो है वो बी के अंदर ही होने चाहिए, बी से बाहर नहीं होने चाहिए, तो उस केस में
देखो एक साइकिल का टायर लिया बेटा है ना, और इसके ऊपर एक और टायर रख दिया, यानी कि यही ए और यही तुम्हारा क्या है बी, यही ए है और यही क्या है बेटा बी है। तो हम ऑल ए आर बी को ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन ऐसा कब सोचेंगे या कब बनाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा सिर्फ तब सोचेंगे जब हमें पॉसिबिलिटी में कुछ कंक्लूड करना हो। ठीक है, तो बनाते हम नॉर्मली ऐसे ही, लेकिन सोच ऐसे भी सकते हैं। सब क्या है, पॉसिबिलिटी कैसे जो होंगे वो आपकी सोच होगी। ठीक है, चले अगर मैं बच्चों आपसे कहता हूं बेटा सम, अगर हम सम का बनाते कैसे थे, ऐसे बनाते थे ना सम ए आर बी, अरे हाँ या ना। सम ए आर बी का मतलब क्या है कि ए का कुछ हिस्सा बी में होना चाहिए, इसका कहने का मतलब है ये। अब इसको और कैसे कैसे बनाया जा सकता है, कौन और कौन कौन से पॉसिबल डायग्राम है जिनमें ए का कुछ हिस्सा बी में रहेगा ही रहेगा, तो देखो क्या हम ऐसे नहीं बना सकते बेटा। देखो यहां पर भी तो ए का कुछ हिस्सा बी में है, तो आपका स्टेटमेंट गलत तो नहीं हुआ, हमने कुछ एक्सपेंड कर दिया, हमने कुछ और संभावनाएं तलाश कर ली, बट यहां पर भी ए का हिस्सा बी में है, दैट मीन्स ये कैसा हो गया, पॉसिबल केस के लिए बना सकते हैं ऐसा। क्या मैं बच्चा लोग ऐसे नहीं बना सकता बेटा, ये बी अंदर हो और ए बाहर हो, अभी भी तो ए का कुछ हिस्सा बी में है, आप कहेंगे हाँ डेफिनेट है सर। क्या मैं इसका ये जो थर्ड वाला है बेटा बराबर वाला साइकिल के ऊपर टायर एक और है ना, ये साइकिल का एक टायर उसके ऊपर एक और टायर, यानी ए और बी दोनों कैसे हैं यहाँ बराबर है, क्लियर है। तो यानी कि सम के लिए ये पॉसिबल डायग्राम हम सोच सकते हैं, सम के लिए हम ये पॉसिबल डायग्राम सोच सकते हैं। तो वैसे ही नो के लिए कोई पॉसिबल डायग्राम नहीं है, सिर्फ नो के लिए क्या है हमारे पास, नो के लिए क्या है बेटा सिर्फ एक ही तरीके से, यानी कि ए और बी क्या होने चाहिए बेटा दूर दूर होने चाहिए। तो इसके अलावा और कोई तरीका हो तो मुझे बताइएगा, क्यों, क्योंकि ए और बी का कोई भी हिस्सा टच नहीं करना चाहिए, वो एक ही तरीके से है कि वो दोनों अलग अलग बना दिए जाए, क्लियर सी बात है। चलिए नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट कौन सा है हमारे पास, सम नॉट। ठीक है, सम नॉट में सपोज करो कि आपको स्टेटमेंट मिला था सम ए आर नॉट बी, ठीक है कुछ इस तरीके से स्टेटमेंट मिला था, तो हम इसे कैसे ड्रॉ करते थे, ये ए का हिस्सा और थोड़ा सा सेक्शन छोड़ दिया और ये बी का हिस्सा बना देते थे, हाँ या ना। ये तो डेफिनेट बनाया हमने, जो उसने बोला है वही एग्जैक्टली हमने बना दिया। अब इसको और कैसे कैसे बना सकते हैं पॉसिबल, यानी कि आपको करना क्या है, इस बार आपको स्टेटमेंट में बोला गया है कि ए का कुछ हिस्सा, ए का कुछ हिस्सा बी में नहीं आना चाहिए, यानी कि थोड़ा सा ए आपको बाहर रखना ही रखना है। तो इनके पॉसिबल डायग्राम देख लेते हैं बेटा, इनके किसके लिए, सम नॉट के लिए पॉसिबल डायग्राम क्या क्या हो सकते हैं। चलो देखो, क्या मैं ऐसे नहीं बना सकता कि ए का कुछ हिस्सा बी में ना हो, भाई इसमें जो मैंने ये डायग्राम सोचा है इमेजिन किया है उसमें ए का कुछ हिस्सा किसमें नहीं है, बी में नहीं है। ठीक है, ये तो स्टेटमेंट कह रहा है सम ए आर नॉट बी, मतलब कुछ ए बी नहीं है, तो यहां पर भी कुछ ए बी नहीं है। अच्छा और कैसे बना सकते हैं, ऐसे नहीं बना सकते क्या, देखो तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल बना सकते हैं, क्योंकि देखो ए का कुछ हिस्सा क्या है बेटा अभी भी बी से बाहर है। बच्चों क्या हम ऐसे नहीं बना सकते कि ए और बी को बिल्कुल अलग अलग बना दें, तो ऑब्वियस बना सकते हैं ना, तो ये भी क्या है इसका एक पॉसिबल डायग्राम है किसका, सम नॉट के लिए, क्लियर सी बात है। तो हमने यहाँ क्या सीखा बेटा कि बनाते तो हम हमेशा ये हैं डेफिनेट केसेस में, लेकिन हम सोच ऐसे भी सकते हैं, लेकिन ऐसे भी सोच सकते हैं वो केवल तभी सोचेंगे जब आपका कंक्लूजन किस केस में है, पॉसिबिलिटी केस में, अदरवाइज ये जो पॉसिबल केसेस हैं इनके बारे में हम नहीं सोचते हैं। बात समझ आई, यानी कि यहां से बस आपको इतना समझना है कि किस केस को कैसे कैसे और पॉसिबल डायग्राम बना सकते हैं, किसी को भी बड़ा कर लो किसी को भी छोटा कर लो, लेकिन गलती से आप स्टेटमेंट को वोलेटाइल नहीं कर सकते। सपोज करो कि यहां पे बनाते समय सम या नॉट बी था, यानी ए का कुछ हिस्सा बी से बाहर होना चाहिए, आपने क्या सोच लिया, आपने गलती से ये सोच लिया कि ए को अंदर रख दिया और बी को बाहर, और आप ये कह रहे हैं कि सर मैंने ये सोचा है किसके लिए, सम नॉट के लिए,
तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे, उसने बोला है कि कुछ एक हिस्सा बी से बाहर होना चाहिए। आपने बिल्कुल नहीं छोड़ा, आपने पूरा पूरा हिस्सा बी के अंदर रख दिया। यानी कि आपने क्या किया, आपने स्टेटमेंट को वॉलेटाइल कर दिया, जो आप नहीं कर सकते, क्योंकि स्टेटमेंट हमेशा कैसे होते हैं, 100% ट्रू होते हैं। क्लियर सी बात है। तो आई होप कि आपको ये पॉसिबल डायग्राम समझ आया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, आपको कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहा हूँ और उन पर देखते हैं कि कैसे इनको यूटिलाइज किया जाता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, हमने क्या किया, सपोज करिए कि हमने एक स्टेटमेंट लिया बेटा, एक स्टेटमेंट लिया जिसमें बोला गया था सम ए आर बी और सम बी आर सी और सम सी आर डी। ठीक है, हमें कुछ कथन गिवन थे एक क्वेश्चन में, जिसमें बोला गया था सम ए आर बी, सम बी आर सी और सम सी आर डी। तो ऑब्वियस सी बात है कि हम सबसे पहले यही फिगर बना लेंगे। अब मान लो कि इनके ब्याह पे क्या बेटा, कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ करने के लिए आपको बोले गए हैं, आपको निकालना है कुछ निष्कर्ष। ठीक है, यानी कुछ ए बी हैं, कुछ बी सी हैं, कुछ सी डी हैं, इनके ब्याह पर आपसे कुछ कंक्लूजन पूछे गए हैं। ठीक है, चलो मान लो कि पहला कंक्लूजन है आपके पास, नंबर वन, सम ए कैन बी सी। दूसरा है सम ए कैन बी डी। तीसरा है मान लीजिए आपके पास कि ऑल ए कैन बी सी। एंड फोर्थ वन इज ऑल ए कैन बी डी। ये अगर आप और अटैच करना चाहते हैं तो चलो एक साथ अटैच कर लेते हैं। मान लीजिए कि आपसे बोला गया है नो ए कैन बी डी। ठीक है, और नेक्स्ट बोला गया है आपको नो ए कैन बी, या एक अलग फॉर्मेट में लिख देता हूं उस पर, नो ए एज सी एज अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, इसको भी ऐसे लिख देते हैं दोनों को, नो ए एज बी एज अ पॉसिबिलिटी। ये कुछ कंक्लूजन आपसे मान लीजिए उन्होंने ड्रॉ करवाने के लिए पूछे हैं। ठीक है भाई, तो अब मैं पहले बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट से, ठीक है, कि और कैसे कैसे हम सोच सकते हैं। तो स्टेटमेंट क्या थे बेटा हमारे पास, स्टेटमेंट थे सम ए आर बी, सम बी आर सी और सम सी आर डी। ये तो हो गया इनका डेफिनेट केस। अब इसने क्या पूछा है, इसने पूछा है कि कुछ ए के सी होने की संभावना है, क्या कुछ ए सी हो सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ फिगर में देखता हूँ, सबसे पहले हम लोग नॉर्मल देखते हैं, क्या ये बात सच है, क्या ये डेफिनेट में गिवन है। देखो इस चीज को समझने के लिए आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि मान लीजिए मैंने कहा मैं आपके सामने कहीं खड़ा हूं, ठीक है, और मैं वर्दी में हूं मान लीजिए, ठीक है, पुलिस की वर्दी पहनी हुई है, और आप उस पर संभावना कहें, आप मुझसे आगे कहें सर आप पुलिस वाले बन सकते हैं। बात समझना जरा, मैंने क्या कहा, मैं पुलिस की वर्दी में, या सपोज करो कोई और कैंडिडेट है जो पुलिस की वर्दी में खड़ा है और आप पुलिस वाले से जाके कह रहे हो आप पुलिस वाले बन सकते हैं, तो ये तो स्टेटमेंट थोड़ा अजीब लगेगा ना, है ना। क्यों? क्योंकि ये तो डेफिनेट है। सो हमेशा हम हर केस को पहले डेफिनेट में देखते हैं, अगर वो डेफिनेट में कैसा होता है, गलत होता है, तब हम पॉसिबिलिटी के लिए चेक करते हैं। अगर डेफिनेट में सही हो गया, बात समझो, अगर कोई चीज डेफिनेट में कैसी होगी बेटा, करेक्ट होगी। अगर कोई चीज डेफिनेट केस में, यानी कि बिना पॉसिबिलिटी के, अगर कोई चीज डेफिनेट में कैसी है, करेक्ट है, तो वो हमेशा पॉसिबिलिटी में कैसी होगी बेटा, गलत होगी। हमेशा पॉसिबिलिटी में कैसी होगी, वो गलत होगी। ठीक है, ये बात समझ लो पहले एकदम कंफर्म, जो चीज डेफिनेट में करेक्ट है वो हमेशा पॉसिबिलिटी में कैसी होती है, गलत होती है। ठीक है, ऐसा नहीं कहा मैंने, उल्टा मत सोचने लग जाना कि जो डेफिनेट में गलत है वो पॉसिबिलिटी में सही होगी, ऐसा नहीं कहा है मैंने। मैंने सिर्फ इतना कहा है कि अगर कंफर्म बात है कोई,
कैसे डेफिनेट का मतलब कंफर्म ही तो होता है बेटा, तो अगर ये कंफर्म है या डेफिनेट है तो उसकी पॉसिबिलिटी कैसी होगी, गलत होगी। ठीक है, अब जब ये गलत होगा या और जो आगे सेशन आएंगे उसमें मैं समझा दूंगा सारी चीजें। ठीक है, तो वन बाई वन चीजों को समझो, एक साथ सारी चीजें नहीं करते। चलो, तो पहला कंक्लूजन था सम ए कैन बी सी, यानी कुछ ए सी हो सकते हैं। तो हमने सोचा कि देखो अगर मैं क्या करूं, मान लो इस ए को यहां तक एक्सटेंड कर दूं, सपोज करो, बस ऐसे सोच के देख रहा था, डेफिनेट तो नहीं है ये चीज, बट मैं सोच के देख रहा था ऐसा कि मैं इस ए को और आगे बढ़ा दूं तो क्या स्टेटमेंट पे कोई फर्क पड़ेगा। मैंने सपोज करो ये थोड़ा सा हटा देता हूं, अब जरा देखो क्या तुम्हारे स्टेटमेंट गलत हुए, तो आप कहेंगे नहीं। क्यों? देखो बेटा सम ए आर बी अभी भी है, अरे ए और बी का दोनों का पोजीशन टच कर रहा है, तो सम ए आर बी अभी भी करेक्ट है, हाँ या ना। सम बी आर सी अभी भी करेक्ट है और सम सी आर डी अभी भी करेक्ट है, यानी जो तीनों स्टेटमेंट थे वो अभी भी कैसे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं, कोई गलत नहीं हुआ। तो हमने सिर्फ चीजों को एक्सपांड किया है ना, हमने चीजों को सिर्फ बढ़ाया है, स्टेटमेंट को गलत नहीं किया। क्यों? क्योंकि आपने केस किसका पूछा है, पॉसिबिलिटी के लिए पूछा है, तो पॉसिबिलिटी में हम जो और सोच सकते हैं वो सारी चीजें हम लोग यहाँ ट्राई करके देखते हैं। ठीक है, तो यानी अगर मैं ऐसा कर दूं तो स्टेटमेंट पर सच में कोई फर्क पड़ा ही नहीं, तो यानी ऐसा मैं बना सकता हूं, ऐसा है तो नहीं डेफिनेट में, हाँ बट ऐसा मैं सोच सकता हूं। अगर मैं सोच सकता हूं तो क्या हो गया बेटा, ये करेक्ट हो गया, क्लियर सी बात है। ठीक है, वापस आ जाते हैं ओरिजिनल पोजीशन पर, यानी कि इसको ऐसे बना सकते हैं। और कैसे कैसे बना सकते हो बेटा फिगर, ये वाला फिगर और कैसे कैसे बना सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों? इस फिगर को हम ऐसे भी बना सकते हैं, एक साइकिल का टायर, उसी पर ए, उसी पर बी, उसी के बराबर हिस्से पर सी और उसी के बराबर डी, हम इसको ऐसे भी तो बना सकते हैं। क्या यहाँ पे सम ए आर बी गलत है? नहीं ना, यहाँ पर भी सम ए आर बी है, यहाँ पर सम बी आर सी है, यहाँ पर सम सी आर डी है, यानी कि तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो बोले थे वो यहाँ भी अभी ठीक है, क्लियर सी बात है। ठीक है, अब देखो अगला, सम ए कैन बी डी, क्या कुछ ए डी हो सकते हैं? अभी तो नहीं दिख रहे, अरे भाई अभी तो नहीं दिख रहे, लेकिन मैं क्या करूं, इसको डॉट 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 करके आगे बढ़ा दूं, तो हाँ ऐसा पॉसिबल है और स्टेटमेंट गलत नहीं हो रही। जब भी हम कुछ नया सोचते हैं, मैं बार बार एक चीज पे बहुत फोकस कर रहा हूँ कि जब भी हम कुछ नया सोचते हैं तो वहां पर स्टेटमेंट गलत नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पर, बस आपको स्टेटमेंट को सेफ रखना है। स्टेटमेंट गलत हो जाएगा तो आपका जो आप आंसर कर रहे होंगे दैट मीन्स वो भी आप गलत कर रहे होंगे। ठीक है, तो फिलहाल अगर मैं इसे यहां तक ले आऊं ए को, स्टेटमेंट में तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या फिर मैं इस फिगर में भी देखूं जो कि मैंने पॉसिबल डायग्राम बनाया, यहां पर कुछ ए डी, कुछ ए डी है, यहां पर कुछ ए डी नहीं है, यानी ऐसा हो भी सकता है कि कुछ ए डी हो जाए और ऐसा दिख भी नहीं रहा। ये देखो यहां पर कुछ ए डी नहीं है, यहां पर कुछ ए डी है, मींस ऐसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता है, उसी को तो संभावना कहते हैं। भाई भाई अगर किसी चीज को कंफर्म पता है, मैं आपसे कहूं 10 और 5 कितने हो गए, 10 और 5 कितने हो गए, तो आप क्या कहेंगे, 15 हो सकते हैं? नहीं, आप क्या कहेंगे, 15 हो गए, है ना। यानी कि जो चीज आपको कंफर्म होती है आप उसमें संभावना व्यक्त नहीं करते, संभावना केवल उसी चीज पे व्यक्त करते हैं जहां पर आप कंफर्म नहीं होते हैं, यानी ऐसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता है, क्लियर सी बात है। चलो, तो ये कॉन्सेप्ट से चल रहा है सब कुछ, क्योंकि कुछ बच्चे कहेंगे नहीं सर कॉन्सेप्ट से समझा रहे, तो इसलिए मैं कॉन्सेप्ट से समझा रहा हूँ, क्योंकि मेरा तरीका बिल्कुल अलग है, मैं बिल्कुल डिफरेंट वे में आपको समझाऊंगा चीजें। ठीक है, तो जो नेक्स्ट है हमारे पास, सम ए कैन बी डी, यस इट इज पॉसिबल, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, ऑल ए कैन बी सी, तो अगर मैं इस फिगर में देखता हूं तो सारे के सारे ए मुझे सी नहीं दिख रहे हैं, लेकिन यहां पर इस फिगर में ऐसा पॉसिबल है, हाँ या ना, बोलो। अरे भाई हाँ या ना, ए सारे के सारे ए सी में नहीं है, लेकिन यहां पर सारे के सारे ए किसमें है, सी में है, यानी ऐसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता है, दैट मीन्स ये कैसी बात है बेटा, संभावना वाली बात है। ठीक है, ऑल ए कैन बी डी, सारे के सारे ए डी में आ सकते हैं, अभी तो नहीं है लेकिन ऐसा पॉसिबल एग्जिस्ट करता है ना, तो ऐसा
यहाँ पर हो गया यानी ऐसा हो सकता है और यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता, दैट मीन्स हाँ या ना दोनों में अगर आप मिल रहा है आपको टर्म, यानी कि हो भी सकता हो और नहीं भी हो सकता हो, तो वो पॉसिबिलिटी में कैसा होता है, हमेशा करेक्ट होता है। ठीक है भाई, बात समझ आ रही है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नो ए इज डी, यानी ए का कोई भी हिस्सा किसमें नहीं है, डी में नहीं है। ए का कोई भी हिस्सा किसमें नहीं है, डी में नहीं है, यानी कि ए का कुछ भी पार्ट डी में नहीं आना चाहिए। देखो ए का सारा पार्ट डी में आ रहा है, दैट मीन्स यहाँ तो ये गलत है। इस फिगर में देखें तो ए का कोई भी हिस्सा डी में नहीं आ रहा है, यानी ऐसा पॉसिबल है, ऐसा हो भी सकता है कि ए का हिस्सा बिल्कुल बाहर हो डी से, और ऐसा नहीं भी हो सकता है। बात समझ आई, यही है गेम पॉसिबिलिटी का। ये कब ऐसा देखते हैं, जब आपको कंक्लूजन में कैसा बोला जाता है, पॉसिबल टर्म कर यूज करके बोला जाता है तब, तो यानी ऐसा संभव है। नो ए सी इज अ पॉसिबिलिटी, ए का पूरा हिस्सा सी से बाहर हो, ऐसा पॉसिबल है क्या? हाँ यहाँ पर पॉसिबल दिख रहा है, बट इस केस में ये पॉसिबल नहीं दिख रहा है, यानी कि ऐसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता है। क्लियर, तो दैट मीन्स इट्स अ पॉसिबिलिटी, और इसको क्या कर देंगे, करेक्ट कर देंगे। ठीक है भाई, तो ये इस तरीके से हम सोच करके अलग अलग डायग्राम बना करके क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब समटाइम्स क्या होता है बच्चों, कि जब हम ऐसे कर रहे होते हैं तो अगर हमने जल्दबाजी में उस सिनेरियो को नहीं देखा, गलती से उस सिनेरियो को नहीं देखा जो हमें पॉसिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा था, तो दिक्कत हो जाएगी, या फिर हमें सोचना बहुत पड़ता है। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा। तो इन सारी चीज़ों को, इन सारे झंझटों को दूर करके एक छोटा सा सिंपल सा तरीका आप अपनाइए, और उसके बाद में आराम से आप सारे क्वेश्चन के आंसर कर सकते हैं जो भी आपके पॉसिबल केस में बोले जाते हैं वैसे। ठीक है, तो मैं तुम्हें सिखाता हूँ अपना तरीका, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, बहुत आसानी से सारे क्वेश्चंस को चेकआउट कर सकते हो। चलिए तो आइए शुरू करते हैं सिलोलॉजिज्म को एक नए तरीके से, कैसे कर सकते हैं वो समझिएगा बेटा। देखो एक बहुत लॉजिकल सा कॉन्सेप्ट है, कि पहले तो ये जानिए आप कि कोई भी दो एलिमेंट गिवन है, जो भी दो एलिमेंट गिवन है उनके बीच में रिलेशन क्या है। तो हमारे पास अगर हम नॉर्मली सोचते हैं पहले कि भाई हमारे पास रिलेशंस क्या क्या हैं, तो हमारे पास चार ही तरीके के रिलेशंस एग्जिस्ट कर रहे थे, ऑल सम नो सम नॉट, हाँ या ना, या एक संभावना यह है कि उनके बीच में कोई रिलेशन गिवन ही ना हो। नहीं समझ आया? देखो या तो कोई रिलेशन कैसा गिवन होगा बेटा, सम का रिलेशन गिवन होगा, कुछ इस तरीके से होगा, अरे भाई दो सर्कल को कंपेयर कर रहे होगे तो या तो ये सम का रिलेशन मिलेगा, अरे हाँ या ना बोलो। या फिर ऐसा हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों कि उसमें ऑल का रिलेशन मिल जाए, कुछ इस तरीके से, ये ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं, या तो सम का रिलेशन होगा, या फिर बच्चों किसका रिलेशन होगा बेटा, ऑल का रिलेशन होगा, या फिर क्या हो सकता है कि उनके बीच में किसका रिलेशन हो बेटा, नो का रिलेशन हो, बोलो, ये नो का रिलेशन हो सकता है उन दोनों सर्कल के बीच, या फिर ऐसा हो सकता है पॉसिबल सम नॉट का, सम ए आर नॉट बी, ठीक है। तो ये हमारे पास चार रिलेशन शो करते हैं, कोई भी स्टेटमेंट हो जब हम बनाते हैं तो हमारे पास इसी चार तरीके के आपके रिजल्ट शो होते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है, कैसा हो सकता है, कि भाई उनके बीच में कोई रिलेशन ही गिवन ना हो, जैसे कुछ इस तरीके से। इसमें इसको मैं नेगलेक्ट कर दूं और अगर आपसे बात करूं किसके लिए, ए और सी के लिए, तो ए और सी के बीच में हमें कोई भी डायरेक्ट रिलेशन गिवन नहीं है। क्यों नहीं है? क्या आपको सम ए आर बी दिख रहा है? जी नहीं, डेफिनेट नहीं दिख रहा है। क्या आपको ऑल ए आर सी, सॉरी मैंने सी के लिए बोला था, क्या आपको सम ए आर सी दिख रहा है? आप कहेंगे नहीं। क्या आपको ऑल ए आर सी दिख रहा है? देखो फटाफट, आप कहेंगे नहीं। क्या आपको नो ए ए सी दिखा? तो आप कहेंगे सर ये भी नहीं है। क्यों? क्योंकि नो ए ए सी होता तो हम डायरेक्ट लाइन जरूर बनाते हैं इनके बीच में। क्या आपको सम ए आर नॉट सी दिख रहा है? तो पार्शियल लाइन आती है, ऐसा कुछ, यानी कि चारों में से कोई रिलेशन है ही नहीं। और हमने तो ये बात कही थी कि दुनिया में चार ही तरीके के रिलेशन होते हैं, तो उन चारों में से नहीं है, तो यानी कि यहाँ पर उन्होंने कोई भी रिलेशन आपको प्रोवाइड नहीं किया है, यानी इसको क्या बोलते हैं बेटा, नो रिलेशन, यानी ए और सी के बीच में कोई रिलेशन गिवन नहीं है। ठीक है, तो बस ये
चार चीजें और ये आपको पहले से पता थी, ठीक है। अब समझो मेरा गेम, मैं सिंपल बस इतना कहता हूं कि भाई दो पार्टी है, दो पार्टी, एक पार्टी होती है आपकी सम, एक पार्टी किसकी होती है सम और नो की, और दूसरी पार्टी है बच्चा लोग ऑल और सम नॉट की। एक पार्टी किसकी बच्चों, सम और नो के लिए, और दूसरी पार्टी किसके लिए बेटा ऑल और सम नॉट के लिए, ठीक है। यहां बताओ पहले ये पार्टी क्लियर हुई, दो पार्टियां दिमाग में मान सकते हो कि ये दो पार्टी होती है। अच्छा अब समझना गेम, बस यहीं से गेम खत्म हो जाएगा। अब जो भी है बस मुझे आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझाना पड़ेगा इसके बाद, यानी आपको सिर्फ एग्जांपल्स देने हैं मुझे समझाने के लिए, अदरवाइज गेम बस इतना सा ही कॉन्सेप्ट है। देखो प्यारे बच्चों, आपने एक चीज अभी पढ़ी थी, मैंने एक आपको टर्म बताया था कि अगर कोई चीज डेफिनेट में कैसी है, करेक्ट है, तो पॉसिबिलिटी में कैसी होती थी बच्चों, वही चीज कैसी होती थी पॉसिबिलिटी में, रॉन्ग, हाँ या ना, इतनी बात तो आप समझे थे। कोई चीज डेफिनेट में अगर करेक्ट है तो पॉसिबिलिटी में कैसी होगी, रॉन्ग होगी। कोई इश्यू है बच्चे लोग, चलो और एक टर्म अभी आपको और समझाता हूं, दैट इज अगर नो रिलेशन है, जैसे ए और सी के बीच में अगर नो रिलेशन है, यानी स्टेटमेंट से प्रॉपरली हमें नहीं क्लियर हो पा रहा कि कौन सा रिलेशन है, तो अगर कोई गिवन है नो रिलेशन, तो उसके सारे के सारे जो पॉसिबिलिटी केस होंगे, कुछ भी एक्स वाई जेड, कुछ भी, सारे के सारे पॉसिबिलिटी केस कैसे होंगे, करेक्ट होंगे। अगर कोई चीज डेफिनेट में, एग्जांपल दे चुका हूँ, कोई पुलिस वाला खड़ा है, आप उसको जाकर के नहीं बोल सकते कि आप पुलिस वाले बन सकते हो, है ना, कंफर्टेबल चिपका देगा। सो डेफिनेट में अगर कोई चीज पक्का पता है तो उसके लिए संभावना व्यक्त नहीं करते, और अगर कोई नो रिलेशन है, यानी कि उनके बीच में कोई रिलेशन गिवन नहीं है, तो उस दौरान आपकी सारी पॉसिबिलिटी कैसी हो जाएंगी, करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये केस समझ आया, चलिए अब बात कर लेते हैं इसकी कि इसमें आखिर हम क्या बात कर रहे थे। तो प्यारे बच्चों कॉन्सेप्ट यहीं पर सीधा सीधा बन जाता है आपके पास, किससे कि देखो बेटा जो रिलेशन गिवन है, ये दो पार्टी आपको दिख रही है, जो रिलेशन गिवन है, जो रिलेशन गिवन है, अगर उसकी पॉसिबिलिटी पूछी जाएगी, अगर उसकी पॉसिबिलिटी पूछी जाएगी, तो वो पॉसिबिलिटी कैसी होगी, गलत होगी। क्यों? क्योंकि मान लो कि अगर मैंने सम का रिलेशन आपको दिया है और मैं सम की पॉसिबिलिटी पूछ रहा हूं, सम का रिलेशन गिवन है और मैं सम की पॉसिबिलिटी पूछ रहा हूं, तभी क्या कहा, सम का रिलेशन दिया है मैंने, तो यानी ये चीज डेफिनेट होगी ना, सम की अगर हमने कोई भी लिंक दी है ए और बी के बीच में, तो वो डेफिनेट होगी, और डेफिनेट होगी तो वो पूछ किसके लिए रहा है, मान लो सम के लिए ही पूछ रहा है, तो वो कैसी हो जाएगी, पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी। ऐसे समझ नहीं आ रहा, देखो एक चीज तुम जानो पहले, मैं सबके लिए यहां बता रहा हूं बेसिक से, फिर कुछ क्वेश्चंस पे देखेंगे। मान लो कि रिलेशन कैसा गिवन है, सम का, ए और बी का ये रिलेशन गिवन है, केवल इतना गिवन है, स्टेटमेंट है सम ए आर बी, स्टेटमेंट क्या है, सम ए आर बी है। कंक्लूजन में उसने पूछा, कंक्लूजन में उसने पूछा सपोज सम ए कैन बी बी, स्टेटमेंट क्या था, सम ए आर बी, कंक्लूजन में आपसे पूछा सम ए कैन बी बी, दूसरा पूछा ऑल ए कैन बी बी, तीसरा पूछा नो ए इज बी इज अ पॉसिबिलिटी, ठीक है, और चौथा पूछा सम ए आर नॉट बी इज अ पॉसिबिलिटी। सो सी रिलेशन किसका गिवन है भाई, अरे मुझे ये तो बता दो रिलेशन किसका गिवन है, रिलेशन गिवन है किसका, सम का। तो मेरे प्यारे बच्चों जब रिलेशन गिवन है सम का, तो सम और उसकी पार्टी वाला आदमी कौन, नो, ये दोनों गलत हो जाएंगे, बकाया आपकी सारी पॉसिबिलिटी करेक्ट हो जाएंगी। नहीं समझ आया, बहुत आसान है, बस चीजें आपको ग्रैब करनी है। देखो दो पार्टी समझ लो, सम और नो,
ऑल और सम नॉट, ठीक है। चलो रिलेशन हमें क्या बनता है स्टेटमेंट में, सम का। तो कौन कौन सी पॉसिबिलिटी गलत हो गई, एक तो सम वाली पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी, और मेरे प्यारे बच्चों सम के साथ और कौन कौन मारा जाएगा, एक नो, यानी सम की और नो की पॉसिबिलिटी गलत होंगी, बकाया जो भी पॉसिबिलिटी आपकी बचेंगी बेटा वो कैसी हो जाएंगी, करेक्ट हो जाएंगी। रिलेशन जिस पार्टी का, उस पार्टी के दोनों लोग गलत और दूसरी पार्टी के दोनों लोग जीत जाएंगे, किस केस के लिए, पॉसिबिलिटी केस के लिए, नहीं बात समझाए। चलो फटाफट से एक काम करो, इसके स्क्रीनशॉट लो, मैं इसको साइड में रखता हूँ और इन दोनों का केस आपको समझाता हूँ कुछ क्वेश्चंस पर, ठीक है। तो क्वेश्चंस पर होगा ये कि मैं एक एक करके चीज़ों को ड्राइव करूँगा, बहुत सारा लिख दूंगा तो पता नहीं आप कहाँ दिमाग चलाएं, इसीलिए मैं इन सबको बारी बारी से एक एक करके आपको समझाता हूँ, ठीक है। एक एक करके बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, क्लास लेंदी हो सकती है लेकिन इम्पोर्टेंट इतनी है कि बता नहीं सकते, है ना। चलो तो मैं इसे हटा रहा हूँ और फिर आगे करते हैं। तो हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेटमेंट सपोज गिवन है, ऑल ए आर बी, ये आपका स्टेटमेंट गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप जो गलती करेंगे, जो मिस्टेक करेंगे, वो मिस्टेक क्या होगी बेटा, मुझे ये बताओ ए का बी से क्या रिलेशन है, ए का बी से क्या रिलेशन है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ए का जो बी से रिलेशन है, ए का जो बी से रिलेशन है वो कैसा है, ऑल का, हाँ या ना। ए का बी से रिलेशन क्या है, ऑल का, क्यों आपने कहा है ऑल ए आर बी, क्लियर सी बात है, ऑल ए आर बी बोला है आपने, हाँ या ना, कंफर्म। अच्छा बच्चों ये बताओ, अच्छा और क्या रिलेशन हो सकता है ए का बी के साथ। तो आप कहेंगे जब ऑल का रिलेशन है तो साथ में सम का रिलेशन भी होगा, भाई सम ए आर बी भी तो है, क्लियर सी बात है। ए से बी का क्या रिलेशन है, ए से बी का बेटा यहां पर देखो सम ए आर बी भी करेक्ट है, हाँ या ना, तो दिख रहा है ना, और ऑल ए आर बी भी कैसा है, करेक्ट है, ठीक है। अच्छा अगर मैं आपसे ये पूछूं बच्चों कि ये बताओ बी का ए से क्या रिलेशन है, बी का ए से क्या रिलेशन है, तो क्या ऑल का है, मुझे ये बताओ क्या ऑल बी आर ए का रिलेशन गिवन है, आपने नहीं, ऐसा जरूरी तो नहीं है, पॉसिबल की बात नहीं कर रहा हूं, नॉर्मल बताओ मुझे, क्या तुम्हें दिख रहा है ऑल बी आर ए बोलूं तो आप सही कहेंगे या उसे गलत कहेंगे, तो आप कहेंगे गलत, ठीक है। और अगर मैं कहूं बेटा सम बी आर ए, बात समझना, ठीक है, सम बी आर ए कहेंगे तो हाँ ऑब्वियस सर सम बी आर ए सही है, अच्छा ऑल बी आर ए ये गलत है, सम ए आर बी ये गलत, सॉरी ये करेक्ट है, और ऑल ए आर बी ये करेक्ट है। ये तो आपको बेसिक है ना, ये तो आप सारी चीजें रिलेशंस में अभी सीखे ही तो हैं, भाई डेफिनेट में आपने क्या किया, डेफिनेट में यही तो चीजें सीखी हैं कि आपके इनका रिलेशन क्या गिवन है, तो कुछ ऐसे रिलेशंस गिवन है आपको। ऑलराइट नाउ आई एम आस्किंग सम पॉसिबिलिटीज, देखो बेटा ध्यान से, मैंने कहा सम ए कैन बी बी, ध्यान देना मेरी बातों पे, ठीक है। दूसरा कहा ऑल ए कैन बी बी, नेक्स्ट इज नो ए कैन बी बी, एंड द नेक्स्ट वन इज सम ए आर नॉट बी इज अ पॉसिबिलिटी, ये चार कंक्लूजन ए से शुरू करके हमने देखे, ठीक है बच्चों। चलो बेटा बहुत तसल्ली से देखो चीजों को, आसानी से सब कुछ हो जाएगा। देखें रिलेशन ये रहा आपको सम ए कैन बी बी, चेक करो फटाफट सम ए कैन बी बी, कैन बी हटाओ पहले, तो कैन बी हटाओ दिमाग से, नॉर्मल देखो, पॉसिबिलिटी है ये मुझे पता है बट अभी नॉर्मल देखो, सम ए आर बी सही है या गलत है, फटाफट बताओ बेटा, फिगर देखा आपने तो आप कहेंगे सर सम ए आर बी कैसा है, सही है, हाँ या ना, फिगर में दिख रहे,
अगर कोई चीज डेफिनेट में सही होती है तो पॉसिबिलिटी में क्या हो जाती है बेटा, गलत। बोलो हाँ या ना, सीखे थे ना। जो चीज डेफिनेट में करेक्ट है वो पॉसिबिलिटी में कैसा होता है बच्चों, रॉन्ग होता है। तो ये तो मुझे साफ साफ दिख रहा है, क्लियर है कि नहीं, बोलो क्लियर है। और सम के साथ साथ कौन मारा जाता है, अरे कोई मुझे बताया क्या, सम के साथ साथ कौन, सम के साथ कौन और जाता है, नो भी जाता है, ये भी गलत हो गया। यानी यहाँ पे सम गलत है, वहां पर नो तो ऑब्वियस गलत होगा ही होगा, क्लियर है, पॉसिबिलिटी केस, ठीक है। ऑल ए कैन बी बी, देखो बेटा ऑल ए आर बी, आई एम नॉट सेइंग ऑल ए कैन बी बी, आई एम सेइंग बोला यही है उसने ऑल ए कैन बी बी, बट मैं आपसे पूछ रहा हूँ ऑल ए आर बी सही है या गलत है, ऑल ए आर बी सही है या गलत है। तो आप कह रहे हैं ऑल ए आर बी तो सही है, हमेशा ना दिमाग में ये पॉसिबिलिटी को पहले हटा दिया करो, पॉसिबल छोड़ा करो, उसे डेफिनेट में देखा करो पहले, क्योंकि मैंने तो आपको कॉन्सेप्ट ही बताया है, मैंने तो दो ही कॉन्सेप्ट बताया है, डेफिनेट में चेक करो सही है या गलत है, हाँ ना। और दूसरा नो रिलेशन, यही तो दो बताया, देखो दोबारा ऑल ए आर बी, देखा हाँ सही है। तो अगर ये सही है डेफिनेट में तो पॉसिबिलिटी में कैसा होगा बेटा, ऑब्वियस रॉन्ग होगा, अरे ऑब्वियस रॉन्ग होगा कि नहीं होगा, तो ये गलत हो गया। और ऑल के साथ साथ कौन मारा जाता है बेटा, सम नॉट, क्लियर सी बात है। सो यहाँ पे चारों के चारों केस कैसे हो गए, गलत हो गए, कब, जब वो ए से स्टार्ट हो रहे हैं, जब वो ए से स्टार्ट कर रहे हैं। फिर से रिकैप कर लेते हैं, हमने देखा कैन बी को हटाया दिमाग से, यहाँ पे बस हमने अपने आप को आर बोल दिया, मैंने कहा सम ए आर बी, देखा हाँ ये तो दिख रहा है, दिख रहा है तो इसकी पॉसिबिलिटी कैसी होगी, गलत होगी, सीधी सी बात। दूसरा देखा ऑल ए कैन बी बी, सारे के सारे ए बी हो सकते हैं, तो देखा ये तो दिख ही रहे मुझे, सारे के सारे बी तो मुझे दिख रहे हैं, पॉसिबिलिटी में क्यों पूछ रहे हैं आप, ये भी कैसा हो गया, गलत हो गया। फिर उसने पूछा नो ए कैन बी बी, हमने देखा कि रिलेशन कैसा है, ए से बी का रिलेशन किसका है, सम का, अरे ए से बी का रिलेशन कैसा है, सम का है, सम का भी है और ऑल का भी है, वो तो ऑटोमेटिक दोनों है। खैर तो अभी सम का दिख रहा है, तो सम का दिख रहा है तो सम के साथ, सम का रिलेशन दिख रहा है तो कौन गलत हो जाता है, नो गलत हो जाता है। यहाँ पे ध्यान रखें इन दो पॉइंट्स पे बस, तो रिलेशन सम का है तो नो की पॉसिबिलिटी गलत, हाँ या ना। अब देखते हैं जो लास्ट पॉसिबिलिटी बची है सम नॉट के, रिलेशन कैसा है ए से बी का, सम का भी और ऑल का भी है, जब आपने ऑल की पॉसिबिलिटी गलत कर रखी है तो ऑब्वियस ही बात है कि ये पार्टी वाले आदमी है भाई, एक गलत तो दूसरा ऑब्वियस गलत, ये पॉइंट दिमाग में रखो, आपके कंक्लूजन बन गए, क्लियर, ठीक है। चलो एक काम और करते हैं, एक काम क्या करते हैं कि यहां से हटा देते हैं ए को, रख देते हैं हम सीधा बी, और यहां से हट जाएगा बी एंड नाउ इट इज ए। अब चेक करो फटाफट से कौन सा कंक्लूजन, पहले खुद ही चेक करो, दिमाग चलाओ कौन सा कंक्लूजन सही है कौन सा कंक्लूजन गलत है। देखो बेटा सम बी कैन बी ए पूछा है ना, हमने क्या देखा बी से ए का रिलेशन देखा डेफिनेट केस के लिए, तो सम बी आर ए, हमने कहा सम बी आर ए हाँ सर है, तो जब सम बी आर ए है आपको फिगर में दिख रहा है सम बी आर ए करेक्ट है तो उसकी पॉसिबिलिटी कैसी होगी बच्चों, गलत हो गई। फिर चलो नेक्स्ट देखते हैं ऑल बी कैन बी ए, तो कैसे देखेंगे ऑल बी आर ए है क्या, तो आपने देखा ऑल बी आर ए तो नहीं है, डेफिनेट तो नहीं है, तो जब डेफिनेट नहीं है तो पॉसिबिलिटी में क्या कर दिया उसको करेक्ट कर दिया, क्या इश्यू है। चलो नेक्स्ट देखते हैं नो, अरे भाई नो तो तभी गलत कर देना चाहिए था जब आपने सम का गलत किया, क्योंकि ये तो दोनों एक ही पार्टी में है, ठीक है। नो और सम एक साथ चलते हैं, ऑल और सम नॉट एक साथ चलते हैं, अभी आपने ऑल को करेक्ट किया है तो ऑब्वियस ही बात है कि सम नॉट को भी क्या करना पड़ेगा आपको करेक्ट करना पड़ेगा, क्लियर सी बात। चलो अब इसी चीज को, ये जो आपको आठ कंक्लूजन पूछे हैं कॉन्सेप्ट से और बता देता हूं कि आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है, कैसा कैसे पॉसिबल नहीं है। देखो बेटा ये जो है आपका डायग्राम ऑल ए आर बी बोला था तो उसका एक पॉसिबल डायग्राम और क्या बन सकता है, तो मेरे प्यारे बच्चों उसका पॉसिबल डायग्राम बन सकता है कि यही ए हो और बेटा यही कैसा हो,
बी हो, यही तो दो डायग्राम बताए थे। कॉन्सेप्ट की बात करो, जैसे पहले मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आप पॉसिबल सोच सकते हैं डायग्राम्स को, ठीक है। चलो तो ये हटा देता हूँ, क्योंकि जब टिक लगा होता है तो क्लियर दिख रहा होता है, तो दिमाग नहीं चलाते हो तुम लोग, है ना, ऐसे ही हो तुम लोग। मक्कार, स्टूडेंट जाति सबसे मक्कार जाति में से एक है। आपको हाँ हाँ करते रहेंगे, सर समझ आ गया, हाँ पक्का समझ आ गया, है ना, और मन ही मन कर रहे होते हैं यार चल क्या रहा है भाई, कोई तो बता दो। खैर, तो स्टेटमेंट क्या था, ऑल ए आर बी, आपने एक अनदर डायग्राम बना लिया बिकॉज वो पॉसिबिलिटी के लिए आपसे पूछ रहा था। चलो चेक करते हैं बेटा कॉन्सेप्ट वाले मेथड से। सम बी कैन बी ए, यानी सम बी आर ए देखना है, हाँ यहाँ भी करेक्ट है और यहाँ भी करेक्ट है, दोनों जगह करेक्ट ही आया ना, दोनों जगह कैसा रहा ये स्टेटमेंट, सॉरी जो कंक्लूजन है वो दोनों जगह कैसा रहा, करेक्ट रहा। जबकि हमारी बात कुछ ऐसे हुई थी कि अगर कोई संभावना है तो संभावना में बेसिकली हम ये चीजें चेक करते हैं, कुछ जगहों पे सही होना चाहिए कुछ जगहों पे गलत होना चाहिए, या एक जगह पे सही और एक जगह पे गलत होना चाहिए। यहाँ तो दोनों जगह सही आ रहा है, दोनों जगह क्या हो रहा है बेटा, सही आ रहा है, तो यहाँ पे नहीं, यानी कि जो गलत वाला तो कॉन्सेप्ट कोई आया ही नहीं, तो यानी तो कन्फर्म बात होगी ना, हर जगह पे जो चीज़ सही है, हर जगह कहीं भी जा रहे हैं वहां पे हर जगह कोई बात एकदम सही आ रही है, तो वो कन्फर्म होगी ना, क्लियर। तो इसकी संभावना नहीं बोल सकते आप, क्या हो गया बेटा गलत। संभावना तभी होगी जब आपको जो फिगर गिवन है उसका आपने एक ऑल्टरनेट पॉसिबल डायग्राम बनाया, और वो पॉसिबल डायग्राम में और उन दोनों डायग्राम में आपने देखा कि एक जगह पे सही आ रहा है एक जगह पे गलत आ रहा है, तभी उसको हम पॉसिबिलिटी मानते हैं कॉन्सेप्ट की व्याख्या। दूसरा देखा, ऑल बी कैन बी ए, तो सारे के सारे बी ए हैं, तो आपने यहाँ देखा नहीं, यहाँ तो नहीं है, यहाँ पर हाँ हो सकते हैं, यानी ऐसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता है, क्लियर सी बात है। अगर ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों आ गए ना, यस और नो, तो जब दोनों आ जाते हैं तो उस केस को हम क्या बोल देते हैं, पॉसिबिलिटी, दैट मीन्स ये पॉसिबल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नो बी कैन बी ए, नो बी कैन बी ए, ठीक है, यानी बी का हिस्सा जो है वो ए के अंदर नहीं आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो आ रहा है, यानी ये तो गलत बात कह रहा है इस फिगर के अकॉर्डिंग, ये तो नो बी कैन बी ए या नो बी इज ए गलत है इस फिगर के अकॉर्डिंग, और इस फिगर के भी अकॉर्डिंग गलत है, तो दो फिगर हैं और दोनों में कैसा आ रहा है, वो गलत आ रहा है, जबकि पॉसिबिलिटी के लिए क्या चाहिए आपको, एक सही और एक गलत चाहिए, इसमें क्या रहा, दोनों गलत, दोनों गलत तो ये भी गलत हो गया, कन्फर्म। वैसे भी सम के साथ कौन चलता है, नो चलता है, वैसे भी समझ सकते हो। नेक्स्ट बच्चा बेटा क्या, सम बी आर नॉट ए इज अ पॉसिबिलिटी, यानी आप ये कह रहे हैं कि ऐसी संभावना है कि बी का कुछ हिस्सा ए में ना आए, तो आप यहां देखो बेटा बी का कुछ हिस्सा, ये वाला हिस्सा देखो ए में नहीं आ रहा है, कुछ हिस्सा बाहर है, और यहां पर कोई भी हिस्सा बाहर नहीं है, यानी कि यहां पर तो ठीक है बात आपकी, कौन सी है, कुछ बी ए नहीं है, ये बात सही है, लेकिन इस केस में ये गलत हो रहा है, यानी एक जगह सही एक जगह गलत, दैट मीन्स इट्स अ केस ऑफ पॉसिबिलिटी, यानी कि हमें कंफर्म नहीं है, हमें इसे कांट से बोल सकते हैं, डाउट बोल सकते हैं, जो भी आप चाहें वो बोल सकते हैं। तो कंक्लूजन का रिजल्ट क्या आया, बिल्कुल सेम ही आया जो आप चाहते थे, ठीक है। चलिए अच्छा एक चीज और मेंशन कर दूं आपको यहीं पर, क्या कि प्यारे बच्चों अगर आपको रिलेशन गिवन हो कैसा नो का, तो नो के लिए तो डबल बेनिफिट है, नो का स्पेशल केस है। अगर रिलेशन कैसा गिवन है, नो बोला गया है, नो ए इज बी इज अ पॉसिबल, सॉरी स्टेटमेंट गिवन है नो ए इज बी, सिंपल इतना सा गिवन है, क्या गिवन है, नो ए इज बी, ठीक है। सपोज करो कि आपको स्टेटमेंट गिवन है नो ए इज बी, ठीक है, नो ए इज बी गिवन है, तो आपके लिए सबसे जबरदस्त फायदा क्या है कि नो के केस में कोई भी कैसी भी कहीं की भी कोई पॉसिबिलिटी क्या नहीं होती, करेक्ट नहीं होती, सारी की सारी पॉसिबिलिटी कैसी होती है, गलत होती है। अगर यहाँ पे ऑल कर लिशन आया है ना, इससे पहले मैंने सम का दिखाया, मान लीजिए ए और बी के बीच में बोला गया नो ए इज बी, ये
अब आप आंख बंद करके उन दोनों के बीच में सारी की सारी पॉसिबिलिटीज को गलत कर सकते हो। किन दोनों के बीच में? ए और बी के बीच में, यानी आपसे पूछे सम ए कैन बी बी, गलत। ऑल ए कैन बी बी, गलत। नो ए इज बी इज अ पॉसिबिलिटी, गलत। सम ए आर नॉट बी इज अ पॉसिबिलिटी, गलत। यानी कि सारी की सारी पॉसिबिलिटी कैसे हो जाएंगी? गलत। तो फायदे वाली चीज क्या है? फायदे वाली चीज ये है कि नो के लिए कोई भी कैसी भी पॉसिबिलिटी करेक्ट नहीं होती है। ठीक है भाई, चलो अब क्या करते हैं, अब लेते हैं कुछ बड़े फिगर्स। अभी तो हमने सिर्फ सिंपल सा डिटेलिंग पे धीरे धीरे एक एक सीरीज चल रहे हैं, है ना। तो अभी हमने दो फिगर के बीच में देखा है, अब हम तीन फिगर करेंगे, फिर उसके बाद में और थोड़ा सा एक्सटेंड करके उसको चार फिगर या जो भी आप करना चाहते हैं वो कर पाएंगे आराम से। ठीक है, तो हटाता हूँ, अब करते हैं थोड़ा सा ट्रिपल फिगर या उससे थोड़ा सा और बढ़ा करके, बस वही है। उसके बाद तो आप कितना भी एक्सटेंड कर लो फिगर को, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आया, ये समझ आया कि नो करिलेशन गिवन हो तो क्या होता है। ठीक है बेटा, ये समझ आया कि अगर आपको सम करिलेशन गिवन होता है तो पॉसिबिलिटी कौन कौन सी करेक्ट होती है। अगर नो करिलेशन है तो नो में तो सारी पॉसिबिलिटी गलत ही है। अगर ऑल करिलेशन दे रखा है आपको तो ये वाली पॉसिबिलिटी करेक्ट हो जाएंगी, ये रॉन्ग हो जाएंगी। क्लियर सी बात। चलो तो बढ़ते हैं नेक्स्ट फिगर्स पे। नेक्स्ट फिगर के लिए हम लोग स्टेटमेंट लेते हैं, सम ए आर बी, कुछ ए बी है एंड सम बी आर सी। मुझे यहाँ बस आपको एक छोटा सा पॉइंट बताना है और उस पॉइंट के बाद में फिर हम जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है ना, देखो अभी तो मैं कुछ क्वेश्चंस करा देता हूँ प्रीवियस ईयर के, दो चार छः, फिर मैं क्या करता हूँ उसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा जिसमें जितने भी पिछले 5 सालों में आपके क्वेश्चंस आए हैं, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो आपका SI हो, चाहे वो आपका SSC हो, पिछले 5 सालों में जितने पॉसिबल क्वेश्चंस हैं और उनमें भी थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस। ऐसा नहीं सपोज करो कि कोई नॉर्मल क्वेश्चन पूछ लिया तो उसको भी आप करा दें, तो एक बेहतरीन कंटेंट लेके आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। और आपके स्लॉक के जितने भी क्वेश्चंस पिछले 5 सालों में जहाँ जहाँ भी पूछे गए हैं अच्छे क्वेश्चंस, उन सबको मैं आपको डिस्कस कराऊंगा। ठीक है, तो फिलहाल देखो इसमें एक छोटा सा पॉइंट समझ लो, अच्छा फिगर एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं जो भी रिलेशन हो। देखो उस केस में बस इतना समझो कि अगर मैं ए और सी की बात करता हूँ, ए और सी की बात करता हूँ, तो बेटा अभी आपको समझाया था कि ए और सी के बीच में क्या है, कोई रिलेशन नहीं है। इस फिगर में देखो ना तो सम का रिलेशन है, ना ऑल का रिलेशन है, ना ही नो का रिलेशन है, ना ही सम नॉट का रिलेशन है। ठीक है, या फिर फिगर आपका ऐसे भी मिल सकता है आपको, ये ए हो, ये बी हो और ये सी हो। ठीक है भाई, ए और सी के बीच में बेटा यहाँ भी कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं गिवन है, ना तो सम ए आर बी से, ना तो सम ए आर सी सही है, ना ऑल ए आर सी सही है, ना ही नो ए एस सी सही है, और ना ही सम ए आर नॉट सी, यानी कि सारे के सारे रिलेशन है ही नहीं, कोई गिवन ही नहीं है इसमें। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या है, ए और सी के बीच में नो रिलेशन। ऐसा भी हो सकता है प्यारे बच्चों, रिलेशन कुछ इस तरीके से गिवन हो, ए और सी के बीच में क्या है, कोई रिलेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि लाइन के रिलेशन हमेशा इससे इस तरफ हो सकता है या इससे इस तरफ कोई रिलेशन बन सकता है, बट दो लाइन हो कोई रिलेशन नहीं होगा। यानी इन तीनों ही केसेस में ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। जब भी आपको नो रिलेशन दिखेगा, क्या दिखेगा बेटा, नो रिलेशन दिखेगा, तो अभी मैंने लिखा भी था पहले बट एक बार फिर से उसको रिपीट कर दे रहे हैं, अगर नो रिलेशन होगा तो उस केस के लिए सारी पॉसिबिलिटी उन दोनों के बीच में कैसी, सारी पॉसिबिलिटी कैसी होंगी बेटा, करेक्ट होंगी। सारी की सारी पॉसिबिलिटी कैसी होंगी, करेक्ट होंगी। ठीक है, तो ये पॉइंट और प्लस रिलेशन, बस उनके बिहाफ पर आप जो पॉसिबिलिटी के केसेस हैं उनको ड्रॉ कर सकते हैं। तो हो सकता है कि अभी भी आपको कैसा लग रहा हो, थोड़ा सा अजीब सा लग रहा हो, पता नहीं क्या सीखे क्या नहीं सीखे। तो मैं कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूँ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ले रहा हूँ दो चार, और उनको हम डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि आपको कितना समझ आया। ठीक है, ओके। सो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, अगर आपने क्वेश्चन देख लिया तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम में क्या है, बोला गया है सम डेबिट आर क्रेडिट, है ना। तो सम डेबिट आर क्रेडिट को आप कुछ इस तरीके से बनाओगे, ये हो गया सम डेबिट आर क्रेडिट, आया ना। नेक्स्ट बोला गया है अ फ्यू
क्रेडिट्स आर कैश. अ फ्यू का क्या होता है बेटा, अ फ्यू सिंपल एक नॉर्मल तरीके से आप उसे सम ही मान सकते हो. मान सकते हो क्या मतलब, सम ही होता है ना. तो अ फ्यू क्रेडिट आर कैश, हमने क्या किया इसको बना लिया. अब जो नेक्स्ट बोला गया है वो है आपके पास नो कैश इज एटीएम, नो कैश इज एटीएम, तो आपने इसको भी ड्रॉ कर लिया. ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इनके कंक्लूजन्स की. तो पहला कंक्लूजन क्या है कि सम कैश आर डेफिनेटली नॉट डेबिट, सम कैश आर डेफिनेटली नॉट डेबिट्स. ठीक है, ये है आपके पास कंक्लूजन नंबर वन. सेकेंड कंक्लूजन क्या है, सेकेंड कंक्लूजन है ऑल डेबिट्स बीइंग कैश इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल डेबिट्स बीइंग कैश इज अ पॉसिबिलिटी. एंड जो थर्ड कंक्लूजन है आपके पास, थर्ड कंक्लूजन है ऑल डेबिट बीइंग क्रेडिट इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल डेबिट बीइंग क्रेडिट इज अ पॉसिबिलिटी. ठीक है भाई, ये तीन केस या तीन कंक्लूजन आपको पूछा गया. चलो पहले को देखते हैं बेटा. सम कैश आर डेफिनेटली नॉट डेबिट, सम कैश आर डेफिनेटली नॉट डेबिट. बेटा जब भी आपको डेफिनेटली बोला जाए ना तो आप उसको गलत कर दिया करो यार, हटा दिया करो, यानी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है. क्यों? क्योंकि या तो हम उसे डेफिनेट में जब वो पूछ रहा है हमें डेफिनेटली फोर्स करके, तो इसमें सीन क्या है बेटा कि डेफिनेट में तो हम बता रही हैं, ये जो कंक्लूजन है वो आर वाला है ना, इसमें कहीं पॉसिबिलिटी तो नहीं है बच्चों, तो हम तो डेफिनेट में ही बताते हैं. जब कंफर्म होते हैं तभी हम उसे बताते हैं, अदरवाइज वो पॉसिबिलिटी का केस होता है. अरे हाँ है ना, तो जब भी साफ सा कहना है कि जब भी आपको डेफिनेटली मिले, फोर्सफुली स्ट्रांगली ऐसा कुछ यूज करें, तो उनको आप क्या कह सकते हो, हटा सकते हो. यानी इस पर ये मत सोचना कि नहीं ये तो कुछ नए टाइप का क्वेश्चन है. हालांकि ये क्वेश्चन जो है आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाया मैंने, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसलिए मैंने उठा लिया था. ठीक है, चलो सम कैश आर नॉट डेबिट्स, तो सिंपल सा पूछ रहा है किस केस में बेटा, सम नॉट का केस है, आ रही तो है. अरे भाई पॉसिबिलिटी का तो नहीं है ना, डेफिनेट में पूछ रहा है जो कि आप पढ़ चुके हैं. तो देखो प्यारे बच्चों, कैश का और डेबिट का रिलेशन कहाँ है, कैश एंड डेबिट इधर. अरे हाँ है ना, और कैसा है, नेगेटिव वाला पूछ रहा है. लाइन के एक तरफ कभी नेगेटिव रिलेशन बनते नहीं है. और वैसे भी सम नॉट के लिए क्या चाहिए था, चिपकू टू डायरेक्ट चाहिए था जो कि है नहीं, डायरेक्ट से डायरेक्ट चाहिए था जो कि है ही नहीं. तो यानी पहला क्या हो गया, गलत हो गया कंफर्म, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी केस नहीं है, ये डेफिनेट में पूछा था उसको. ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है आपका पॉसिबिलिटी केस ऑल डेबिट. एक बात मैं बहुत क्लियर सी बता दूं बच्चों, हो सकता है कि कुछ बच्चे इसी क्लास से जुड़े हों, सीधा सीधा इसी क्लास से जुड़े हों, तो ये आपके लिए दिक्कत वाली बात हो सकती है. आपसे मैं रिकमेंड करूंगा कि आप सबसे पहले क्या करिए, क्लास वन देखिए, क्योंकि ये चिपकू डायरेक्ट और जो भी कॉन्सेप्ट है वो मैं क्लास वन में आपको पहले शेयर कर चुका हूँ. ठीक है, तो अगर बेहतर तरीके से जानना है तो आप क्लास वन को देखो, उसके बाद में आप अगर यहाँ देखोगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा. ठीक है, चलो. सो द नेक्स्ट कंक्लूजन इज ऑल डेबिट बीइंग कैश इज अ पॉसिबिलिटी. ऑल डेबिट कैश, डेबिट से कैश का रिलेशन पूछ रहे हैं और ऑल की पॉसिबिलिटी है. ये बहुत तेजी से दिमाग में चलता है, बस डिटेल में बता रहा हूँ. इसलिए डेबिट से कैश का क्या रिलेशन है, डेबिट यहाँ है बेटा, कैश यहाँ है. क्या इन दोनों के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन गिवन है, क्या इन दोनों के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन गिवन है, आपका नहीं. तो नो रिलेशन में सारी पॉसिबिलिटी कैसी होती है बेटा, करेक्ट ही तो होती है. देखो ये मैंने बॉक्स बना रखा है पार्टी वाला, और नो रिलेशन आपको पता ही है, कई बार लिख चुका हूँ, नो रिलेशन में सारी की सारी जो पॉसिबिलिटी होती हैं, वो कैसी होती हैं, करेक्ट होती हैं. सो डेबिट और कैश के बीच में तो कोई रिलेशन ही नहीं है, डेबिट है कैश है, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं, नो रिलेशन, तो सारी पॉसिबिलिटी करेक्ट होगी. नेक्स्ट पूछा है डेबिट से क्रेडिट के लिए. ठीक है, क्या
ऑल की पॉसिबिलिटी। बेटा रिलेशन किसका है, डेबिट और क्रेडिट में देखो फटाफट, डेबिट ये रहा क्रेडिट ये रहा, डेबिट और क्रेडिट में कैसा रिलेशन है, सम का। हाँ या ना, कैसा रिलेशन है बेटा, सम का। तो सम की तो पॉसिबिलिटी के लिए दूंगी, लेकिन ऑल और सम नॉट की पॉसिबिलिटी करेक्ट होगी, इसने किसकी पूछी है, ऑल की। दैट मीन्स ऐसा पॉसिबल हो सकता है, क्लियर। मेरा रिलेशन सम का है तो ऑल की पॉसिबिलिटी तो करेक्ट होगी ना, दूसरी पार्टी है, ठीक है। अच्छा, और अच्छे से समझना है, कॉन्सेप्ट से समझना है, तो देखो इन दोनों को एक सर्कल बना सकते हैं हम लोग, बना देता हूँ, ऐसा भी तो पॉसिबल है। ये दोनों कैसे हो, एक ही सर्कल में हो, तब भी आपका कोई स्टेटमेंट गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभी भी जब आपने ऐसा सर्कल बना लिया, तब भी आपके सम डेबिट और क्रेडिट सही है, तो स्टेटमेंट तो आपका गलत हो ही नहीं, बस हमने उसको एक्सप्लोर कर दिया है ना, तब भी ये क्या आ जाता, हाँ ऐसा पॉसिबल हो सकता था। दैट मीन्स यानी क्या रहा, ये आपकी पॉसिबिलिटी करेक्ट हो गई, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पर, देखो क्या बोला गया, साथ साथ ड्रॉ कर लेते हैं। बोला गया है ऑल ब्लेड आर शार्प, ऑल ब्लेड आर शार्प, कुछ इस तरीके से आपने ड्रॉ कर लिया। नेक्स्ट बोला गया है सम शार्प आर रॉकेट, हमने क्या किया, सम शार्प आर रॉकेट बना दिया, ठीक है भाई। जो नेक्स्ट टर्म बोला गया दैट इज नो रॉकेट इज शिप, क्लियर सी बात है। चलो देख लेते हैं कंक्लूजन्स क्या है। नंबर वन, some blade being shape is a possibility। कंक्लूजन नंबर टू है All sharp can be shape, ठीक है। जो थर्ड कंक्लूजन है दैट इज no rocket being blade is a possibility, ठीक है। एंड द फोर्थ वन इज some rocket not being sharp is a possibility। तो देखो कथन में बोला गया था कि सभी ब्लेड क्या है, शार्प है, कुछ शार्प रॉकेट है और कोई रॉकेट शिप नहीं है। कंक्लूजन यही है कि पॉसिबिलिटी के बेसिस पे पूछे चारों कंक्लूजन, क्या कि कुछ ब्लेड के शिप होने की संभावना है, दूसरा है सभी शार्प के शिप होने की संभावना है, तीसरा है कोई रॉकेट ब्लेड नहीं है क्या यह संभावना है, और चौथा है सम रॉकेट बीइंग शार्प इज अ पॉसिबिलिटी, मींस कुछ रॉकेट शार्प नहीं है इस बात की संभावना है। तो कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल तरीके से देखते हैं क्या होता है बेटा, ठीक है। चलो तो किसका है रिलेशन, जो पहला कंक्लूजन है वो किस किसके बीच में रिलेशन है बेटा, ब्लेड और शिप के बीच में रिलेशन है। तो फटाफट देखो ब्लेड और शिप का रिलेशन क्या है, ब्लेड यहाँ है, शिप यहाँ है, इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। जब नो रिलेशन होता है तो उस केस में सारी की सारी पॉसिबिलिटी कैसी होती है, करेक्ट होती है, चाहे कैसी भी पूछे, पॉजिटिव नेगेटिव व्हाटएवर जो भी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है ऑल शार्प कैन बी शिप, किस किस के बीच में रिलेशन पूछा बेटा, शार्प और शिप के बीच में। देखो फटाफट शार्प ये रहा, शिप ये रहा, क्लियर सी बात है, शार्प ये है और शिप यहां है। तो मेरे बच्चों जरा ध्यान से देखो, तो ये चिपकू से डायरेक्ट, शार्प इज अ चिपकू, चिपकू से डायरेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आया ना,
चिपकू से डायरेक्ट हो रहा है कि नहीं, तो आप कहेंगे हाँ ऑब्वियस हो रहा है। तो चिपकू से डायरेक्ट का किसका रिलेशन होता है मेरे बच्चों, चिपकू से डायरेक्ट किसका रिलेशन होता है, दैट इज सम नॉट। और रिलेशन किसका होता है, सम नॉट का होता है ना बेटा। यहाँ पे क्या करेक्ट आ रहा है, सम नॉट करेक्ट आ रहा है, यानी रिलेशन किसका है, सम नॉट का। तो यानी पॉसिबिलिटी किस किस की गलत होगी, सम नॉट की तो गलत होगी होगी, साथ में उसका जो पार्टी वाला है वो भी मारा जाएगा। मीन्स रिलेशन सम नॉट का है तो सम नॉट की और ऑल की पॉसिबिलिटी गलत होगी, रिलेशन सम नॉट का है तो दोनों पॉसिबिलिटी गलत होगी। ये इसने किसका पूछा बेटा, ऑल की पॉसिबिलिटी तो पूछिए, तो ये ऑल की पॉसिबिलिटी कैसी होगी, गलत होगी। ठीक है, दोबारा देखो, सार्प से सिप का रिलेशन, सार्प से सिप का रिलेशन कैसा, सम नॉट का रिलेशन, सम नॉट में ऑल की पॉसिबिलिटी कैसी हो गई, गलत हो गई। क्यों, क्योंकि ऑल और सम नॉट दोनों एक ही पार्टी के बनने हैं। ठीक है, अब इसको कॉन्सेप्ट से भी समझा देता हूँ। जब भी कुछ नया रिलेशन एस्टेब्लिश करने की कोशिश करता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि बच्चे को हर तरीके से नॉलेज हो, है ना। एक बैकअप प्लान होना बहुत ज़रूरी है, कि अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो ऐसे समझ लीजिए, दोनों से आंसर सेम ही आना चाहिए, लेकिन ऐसा ना हो कि एक से आंसर कुछ और आ जाए और दूसरे से आंसर कुछ और आ जाए, तो कन्फ्यूजन होगा। सो सी ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि सारे के सारे सार्प को हम सिप के अंदर बना सकते हैं। ये जो सार्प है, ये जो सर्कल है, क्या आप इस सारे सर्कल को सिप के अंदर बना सकते हो, तो हम कहेंगे नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते, इसलिए नहीं बना सकते कि सार्प का कुछ हिस्सा, ये जो मैं ब्लैक सेक्शन बना दे रहा हूँ इसका, देखो ये सार्प का जो ये हिस्सा है जो रॉकेट में आ रहा है, सार्प का वो हिस्सा जो रॉकेट में आ रहा है वो कभी भी शिप में नहीं जा सकता। क्यों, क्योंकि सारे के सारे रॉकेट कभी भी क्या नहीं हो सकते, शिप नहीं हो सकते। सारे के सारे रॉकेट क्या नहीं हो सकते, शिप नहीं हो सकते, यानी ये हिस्सा भी क्या नहीं हो सकता, शिप नहीं हो सकता। जब ये हिस्सा किसका है, ये सार्प का भी हिस्सा है, जब सार्प का हिस्सा है तो भाई सार्प का, यानी ये बात होगी ना तय कि सार्प का भी कुछ हिस्सा कभी भी क्या नहीं जा सकता, शिप में नहीं जा सकता। अगर ऐसा है तो हम सारे के सारे सार्प को कभी भी शिप नहीं बना सकते, सारे के सारे सार्प को शिप नहीं बना सकते, यानी कि ऐसा संभव नहीं है, इसीलिए इसको क्या कर दिया था, गलत कर दिया था। अगेन आई रिपीट कि अगर आप ऐसे नहीं समझते हैं तो सिंपल तरीके समझ लो, रिलेशन किसका है, सम नॉट का। जब रिलेशन सम नॉट का है तो पॉसिबिलिटी दूसरी पार्टी की सही होगी, लेकिन फिलहाल इसने इसी पार्टी की पॉसिबिलिटी पूछ ली, इसीलिए इसको क्या कर दिया, गलत कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये हटा देता हूँ, नहीं तो पता चले कि समझने में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए भाई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नो रॉकेट बीइंग ब्लेड इज अ पॉसिबिलिटी रिलेशन रॉकेट एंड ब्लेड के बीच का, रॉकेट से ब्लेड का रिलेशन देखते हैं। रॉकेट इज हियर, ब्लेड इज हियर, देयर इज नो रिलेशन, क्लियर है, नो रिलेशन, सारी पॉसिबिलिटी करेक्ट, नो रिलेशन तो सारी पॉसिबिलिटी करेक्ट, क्योंकि रॉकेट और ब्लेड का कोई भी सेक्शन टच नहीं हो रहा है या डायरेक्ट लाइन से कनेक्ट नहीं है, उनके बीच में कोई भी रिलेशन गिवन नहीं है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, सम रॉकेट नॉट बीइंग शार्प इज अ पॉसिबिलिटी, रॉकेट से शार्प का क्या रिलेशन है, रॉकेट से शार्प का सम का रिलेशन गिवन है, देखो हाँ या ना, रॉकेट से शार्प का कैसा रिलेशन है बेटा, सम का रिलेशन गिवन है, हाँ या ना, तो सम का रिलेशन गिवन है, ये वाला गिवन है, तो पॉसिबिलिटी कौन सी करेक्ट होंगी, ये वाली पॉसिबिलिटी करेक्ट होंगी, क्लियर सी बात है। किसकी पूछा उसने, सम नॉट, हाँ तो सम नॉट की पॉसिबिलिटी कैसी होगी, करेक्ट, बताओ, फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो हो सकता है कि एकदम अमेजिंग लगे, लेकिन आप एक चीज पर गौर करो, सिर्फ एक चीज पर गौर करो बेटा, क्या मैं बार बार कुछ नया बनाने के लिए कह रहा हूँ, नहीं ना, ये दो चीजें लिख रखी हैं, बस बार बार उन्हीं को रिपीट कर रहा हूँ, जैसा कि मैंने अभी कहा था आपसे, कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, बट एक प्रैक्टिस चाहिए उस चीज को करने के लिए, जैसे ही आपकी ये प्रैक्टिस कंप्लीट होगी देन फाइन, अगेन देख लें एक बार।